पावर मतलब फुल पावरफुल है, अब तक का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी के साथ। बजट है, बजट है फिर तो हाँ स्कॉर्पियो। सब्सक्राइब कीजिए रोहित बेनीवाल चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं रोहित बेनीवाल, आज आप आ गए नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के बारे में, इसकी सारी ही कमियां और खूबियां आपको बताएंगे। हमारे साथ है यश मलिक भाई, जिनकी ये गाड़ी है, ये आपको सारी ही डिटेल देंगे गाड़ी के बारे में। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, धन्यवाद। सो दोस्तों, अब हम आ गए गाड़ी के अंदर। ये है हमारे साथ यश मलिक। अब हम गाड़ी का आपको ड्राइव रिव्यू देंगे। अगर आपको S9 के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें सारे फीचर बताए गए हैं स्कॉर्पियो S9 के। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, गाड़ी चलाने से पहले आप सभी को सारे सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो करने चाहिए। सो यश भाई, आप अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए। तो यश भाई, आप बताइए आपका स्कॉर्पियो के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी के साथ। अच्छा, तो आपने कब खरीदी थी ये? 20 नवंबर 2020। अच्छा, तो आपको 5-6 महीने हो चुके हैं अब तक इसे चलाते हुए। तो आपको कैसा लगा, आपको क्या फील हुआ अब तक? बहुत कम्फर्टेबल लगी, मतलब ड्राइविंग के टाइम पे। तो आप अब तक कहाँ कहाँ की ट्रिप कर चुके हैं इसमें? देहरादून, मसूरी, गाँव वगैरह। तो आपको पावर में कैसा लगा? पावर में तो फुल पावरफुल है। अच्छा, तो जैसे कि इसके कंपटीशन में और भी गाड़ियाँ थी, क्रेटा थी, हैरियर थी, आपने उन्हें क्यों नहीं लिया? पहले मतलब मेनली हम 7 सीटर के लिए प्रेफर कर रहे थे। अच्छा, तो फिर तो और कोई बनता ही नहीं है। नहीं, फिर तो स्कॉर्पियो और सबकी पहली पसंद यही है। तो आपने ब्लैक कलर क्यों चूज? ब्लैक वाइट तो सबका कॉमन है, ब्लैक कलर में लुक भी अच्छा लगता है। सही बात है। सो आपको मजा आ रहा है इसे चलाने में? बहुत। आपको माइलेज क्या क्या मिला अब तक? माइलेज मैंने अभी तक इसके 17 निकाल दिया। अच्छा, 17 निकाल लिया आपने? सही है, मतलब कि आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अब तक इसके साथ। आप खुश हैं इससे? अच्छा। सो आपको ये ऑन रोड प्राइस क्या पड़ा था इसका? 17,75,000। अच्छा, 17,75,000, जिसमें कि कोई एसेसरी भी इंक्लूडेड है? सब एसेसरीज, एलॉय व्हील सब इंक्लूडेड। एसेसरी आपने क्या क्या लगवाई है? एसेसरी वाइजर, मैट। अच्छा, छोटी मोटी चीजें जो होती हैं। रियर कैमरा भी लगवाया है? कैमरा भी लगवाया है। अच्छा, फ्रंट मतलब ग्रिल। तो आपने S11 को चूज क्यों नहीं किया? ज्यादा प्रेफर, मतलब उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, फालतू में 1.5 लाख रुपए का हुआ है। हाँ, अलॉय व्हील वगैरह ज्यादा ही है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत रेयर ही डिफरेंस है। अच्छा, तो आप मतलब कि पूरे खुश हैं इस गाड़ी से? आपको कभी ये लगता है कि मुझे कोई और लेनी चाहिए थी? नहीं, अब तक तो कोई माइंड में ऐसा नहीं आया कि कुछ और लेनी चाहिए। जैसे कि आप भीड़ भाड़ में कहीं बाजार में जाते हैं तो आपको लगता है कि यार तो छोटी गाड़ी होनी चाहिए थी, ये मैंने क्या ले लिया? तब लगता है हाँ, मार्केट के लिए कि मार्केट के लिए ठीक नहीं है ये। अच्छा, फिर बाइक पर घूमना पड़ता है। हाँ, ये भी बात सही है आपकी। बहुत ही स्मूथ इंजन है स्कॉर्पियो का, बहुत ही लीनियर पावर डिलीवरी है इसमें, बहुत ही मजा आता है स्कॉर्पियो को चलाने में। जब आप स्कॉर्पियो को रेगुलर चलाने लग जाते हैं तो आपको और कोई गाड़ी चलाने का मन ही नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी विजिबिलिटी है, आपको बोनट बिल्कुल साफ दिखता है। बहुत ही अच्छा स्टीयरिंग, बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। अगर बात करें ब्रेक्स की तो वो भी बहुत अच्छे हैं, महिंद्रा ने बहुत ही अच्छा काम किया इस पर। स्कॉर्पियो को बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं बट मुझे ये गाड़ी पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है। देख सकते हैं विजिबिलिटी इसमें, तो दोस्तों ये था कुछ स्कॉर्पियो का रिव्यू।
आइए एक बार भाई से फाइनल वर्डिक्ट जान लेते हैं। सो आप बताइए, आप बिल्कुल खुश हैं इस गाड़ी से? हाँ जी बिल्कुल। आप हमारे सब्सक्राइबर को रिकमेंड करेंगे कि वो गाड़ी लें? हाँ जी बिल्कुल प्रेफर करेंगे। मतलब कि क्रेटा वगैरह सबको छोड़ के उन्हें स्कॉर्पियो लेनी चाहिए? सबके बजट की बात है, अगर उनका बजट है, बजट है फिर तो हाँ स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो लेनी चाहिए। और कोई भी छोटी गाड़ी जिसे आप आराम से चला सकते हैं? अपने हिसाब से है ना भाई, जैसे छोटी चाहिए वो छोटी ले लो। सो दोस्तों, जैसा कि आपने जान ही लिया यश भाई से, आपको स्कॉर्पियो जरूर लेनी चाहिए, आपको एक बार लाइफ में इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत ही अच्छी गाड़ी है, शानदार गाड़ी है। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।